नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चॉइस पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी बाइंग गाइड के बारे में बताने वाले हैं कि आपको टीवी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीवी हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताओं में से शामिल हो गया है, आज इसके बिना घर अधूरा लगता है। मार्केट में बहुत सारे टीवी देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी के विकास के कारण टेलीविजन में स्मार्ट होते जा रहे हैं। समय के साथ साथ टीवी में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। पुराने समय में टीवी घर में बहुत अधिक जगह लेते थे, लेकिन आज बहुत ही कम जगह में आप एक अच्छा टीवी लगा सकते हैं। कह सकते हैं इंटरनेट का असर टीवी पर भी पड़ा है। अब आप अपने स्मार्ट टीवी को सीधे इंटरनेट से कनेक्ट करके उसमें अपना मनचाहा प्रोग्राम्स देख सकते हैं। एक न्यू टीवी खरीदते समय यह बात दिमाग में आता है कि मुझे कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। आज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि इनमें से आप एक अच्छा चूज करने में चूक जाते हैं तो आपके लिए यह बहुत महंगा पड़ सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा टीवी हमारे लिए राइट रहेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोच और समझ लेंगे कि आपको किस टाइप्स का टीवी खरीदना चाहिए जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके और उम्मीदों पर खरा उतरे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको टीवी के बारे में ऐसे 6 पॉइंट्स बताने वाले हैं जिसे आप खरीदने से पहले जरूर देखें। पॉइंट नंबर 1, टीवी का साइज। सबसे पहले हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि कितने बड़े आकार का टीवी हमारे लिए सूटेबल रहेगा। यह जानने के लिए आपको यह निर्णय करना होगा कि आपको टीवी लगाना कहां पर है। टीवी का साइज उस प्लेस पर निर्भर करता है जहां पर आपको उसे लगाना है। टीवी का राइट साइज जानने के लिए एक नियम अपनाया जाता है, आप जितना बड़ा टीवी लेना चाहते हैं उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उतनी ही दूर बैठकर आपको उस टीवी को देखना है, तभी वह क्लियर रूप से दिखाई देगा। यदि आप एक 32 इंच का टीवी खरीद रहे हैं तो 32 × 1.5 = 48, यानी आपको 32 इंच के टीवी को कम 48 इंच दूरी से देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है रेजोल्यूशन। जब भी हम कोई नया टीवी खरीदने जाएंगे तो उसमें अलग अलग रेजोल्यूशन हमें देखने को मिलेंगे। रेजोल्यूशन से मतलब है कि उस टीवी में कितने पिक्सल्स हैं। नजदीक से देखने पर हमें पिक्सल्स बड़ी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। एक HD रेडी टीवी में 1280 × 780 पिक्सल्स होते हैं। इस पिक्सल्स के साथ यदि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोई भी मूवीज देखते हैं तो वह क्लियर नजर आएगा, परंतु यदि हम अपने टीवी स्क्रीन जो कि मोबाइल स्क्रीन से कहीं अधिक बड़ी होती है पर इसे हम नजदीक से देखेंगे तो हमें उतना क्लियर यह नजर नहीं आएगा। कम रेजोल्यूशन वाले टीवी को आप जितना दूरी से देखोगे उतनी ही आपकी इमेज क्लियर दिखाई देगी, परंतु आज के जनरेशन में आप HD रेडी टीवी लेने की सोच रहे हैं तो रुक जाओ, क्योंकि आज का जनरेशन 4K HD टीवी तक पहुंच गया है। अब मार्केट में फुल HD टीवी आने लगे हैं जिनका रेजोल्यूशन 1280 × 1080 पिक्सल्स का है, जो आपको HD रेडी टीवी से कहीं बेहतर इमेज दिखाएंगे क्योंकि उसमें पिक्सल्स अधिक मात्रा में होते हैं। आजकल 4K टीवी भी बाजार में आ गए हैं जिसका रेजोल्यूशन 4000 × 2000 का होता है, इसलिए कम से कम फुल HD वाला टीवी तो खरीदना ही चाहिए। यदि आपका बजट अच्छा है तो आपको 4K वाला टीवी ही खरीदना चाहिए। 4K वाले टीवी महंगे आते हैं परंतु इनकी क्वालिटी अदर्स के मुकाबले कहीं बेहतर होती है। थर्ड पॉइंट है रिफ्रेश रेट। अब अगली बात जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो होता है टीवी का रिफ्रेश रेट। वास्तव में हम जो टीवी में जो भी देखते हैं वो बहुत सी इमेजेस होती हैं जिनको बहुत तेजी के साथ में चलाया जाता है और हमें यह महसूस होता है कि हम कोई मूवीज देख रहे हैं, जबकि वह बहुत सारी इमेजेस से मिलकर बना होता है। अब इन इमेजेस को जितनी अधिक तेजी से दिखाया जाता है वही उसका रिफ्रेश रेट कहलाता है, यानी आपका टीवी 1 सेकंड में कितने इमेजेस को दिखाता है वह उसका रिफ्रेश रेट होता है। रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा टीवी में हमें उतना ही साफ दिखाई देगा। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हर टीवी पर उसका रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में लिखा होता है। कम से कम 60 हर्ट्ज से अधिक का टीवी तो लेना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। टीवी खरीदने से पहले उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन में काले व सफेद रंग में कितना अंतर दिखाई देता है। काली चीजें कितनी काली दिखाई देती है, कहीं सफेद वस्तु पर पीलापन तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपके टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो जितना अच्छा होगा आपके टीवी के रंग उतने ही अच्छे दिखाई देंगे। फिफ्थ पॉइंट है इनपुट पोर्ट। टीवी खरीदते समय यह भी देख ले कि उसके अंदर इनपुट के लिए कौन कौन से पोर्ट दिए गए हैं। टीवी के अंदर कम से कम 2 HDMI and 2 USB पोर्ट्स तो होना ही चाहिए। 6 पॉइंट है कंप्यूटर मॉनिटर वर्सेस टीवी। कई बार हम टीवी को कंप्यूटर मॉनिटर की तरह यूज करने का भी सोच लेते हैं, परंतु यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कंप्यूटर मॉनिटर का रिफ्रेश रेट टीवी से कहीं अधिक होता है। आप कंप्यूटर मॉनिटर को नजदीक से भी देख सकते हो परंतु टीवी के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए यदि टीवी को कंप्यूटर मॉनिटर के स्थान पर यूज करने का सोच रहे हैं तो यह आपको संतुष्टि प्रोवाइड नहीं करेगा। अब
हम आपको बताने वाले हैं टीवी के टाइप्स। टू टाइप्स के टीवी मुख्यतः बाजार में देखने को मिलते हैं, पहला LCD LED और दूसरा OLED। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें लिक्विड के क्रिस्टल मिलकर अलग अलग कलर बनाते हैं, जिनको पीछे से लाइट देने पर पिक्सल्स के सहयोग से एक इमेज का निर्माण होता है। इस रोशनी को CCFL बोलते हैं। यह कुछ वैसे ही है जैसे कि हम अपने घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट LED। LED का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड्स। यह भी LCD का ही टाइप होता है। अंदर केवल इतना है कि इसमें लाइट देने के लिए LED का एक पैनल लगा दिया जाता है, जिसके कारण बिजली बहुत कम खर्च होता है तथा LCD TV की अपेक्षा अधिक साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट OLED, इसका मीन्स है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। यह एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसमें पिक्सल्स पर ही छोटी छोटी LED लगा दी जाती है, जिसके कारण नजदीक से भी देखने पर पिक्सल दिखाई नहीं देते तथा तस्वीर व मूवीज अधिक क्वालिटी के साथ में दिखाई देते हैं। अधिकतर 4K TV में यह टेक्नोलॉजी यूज में लाई जाती है। ये TV बहुत महंगे आते हैं। जितने भी बजट TV बाजार में आते हैं वो सभी LCD और LED ही होते हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के TV अवेलेबल है, जिसमें फ्लैट TV, कर्व TV, 3D TV और स्मार्ट TV। आपके लिए कौन सा TV सुटेबल रहेगा, यह निर्णय आपको ही करना है। आजकल अधिकतर फ्लैट TV ही अधिक यूज में आते हैं। कर्व TV भी कंपनियों ने निकाले हुए हैं, परंतु आप इन्हें दीवारों पर नहीं टांग सकते या फिर दीवारों पर इन्हें टांगना बहुत मुश्किल है। इनके लिए आपको अपने घर में अलग से जगह देनी पड़ेगी। दूसरा, इन्हें केवल सामने बैठकर ही देखा जा सकता है। आप दाईं या बाईं तरफ अथवा बगल में बैठकर इन्हें नहीं देख सकते। आजकल स्मार्ट TV भी चल पड़े हैं। ये TV सामान्य TV की अपेक्षा में महंगे आते हैं, परंतु आप इसमें Amazon स्टिक या Google क्रोम केस की हेल्प से अपने सामान्य TV को भी एक स्मार्ट TV बना सकते हैं। स्मार्ट TV में यह भी देख लें कि उसके अंदर Wi-Fi कनेक्टिविटी की सुविधा है या नहीं। स्मार्ट TV में आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो स्मार्ट TV आपके किसी काम का नहीं है। और यदि आप कोई इंटरनेट से किसी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, तो उसका खर्चा अलग होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।